के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिमी चंपारण जिले में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल बेतिया के उपाधीक्षक डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने बताया कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 120 बिस्तरों वाले कोरोना वार्ड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3 ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू किया गया है। बेड रखे हुए हैं, लेकिन देखेंगे जिसकी स्थिति ज्यादा रहेगी उस हिसाब से उस समय बेड की हम लोग तैयारी करेंगे। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ जो है हम लोगों के 3-3 प्लांट यहाँ लगे हुए हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से ही बनाने की दी गई है। तो हम लोग जितने भी बेड हम लोगों के अस्पताल में हैं वो सारे बेडों को हम लोग पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई करने का पूर्ण क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन प्लांट के तकनीशियन राहुल कुमार ने बताया कि इस प्लांट से प्रति मिनट 1,500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। उसका क्षमता है ये पर मिनट 500 लीटर। जी सर। तो वैसे 3 प्लांट है तो कितना हो गया? 1500 लीटर देगी एक मिनट में।